हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमीराज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सेम और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी तरह से ये सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी सब्जी। और मैंने इन्हें सेम की फलियों को काट लिया है और मैंने 250 ग्राम सेम की फलियां ली हैं और मेरे आलू 300 ग्राम के करीब हैं। अब मैं इन्हें कुकर में डाल के अच्छे से बॉईल कर लूंगी। कुकर में डाल लूंगी मैं इन्हें। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी। कुकर की लीड को लगा दूंगी। मैं इसमें दो सीटियां लगा लूंगी। जब तक हमारे सेम और आलू उबल रहे हैं तो हम सिल पत्थर के ऊपर थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। हम इसे देसी स्टाइल से सब्जी को तैयार करेंगे। मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन छिला हुआ। मैं पहले इसे थोड़ा पीस लूंगी। लहसुन हमारा पीस चुका है। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और नमक भी ऐड कर देंगे इसमें। और थोड़े मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। सारा मसाला हमने कटोरी में निकाल लिया है। सेम आलू को उबालकर मैंने बारीक बारीक ऐसे फोड़ दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने जो मसाला सिल पर पीस कर तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून। थोड़ी सी हरी मिर्च मैं इस टाइम ऐड कर दूंगी और बाकी के हम बचा लेंगे, वो बाद में डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद आप नमक टेस्ट कर लें, क्योंकि नमक हम बाद में नहीं डालेंगे। हमने जो चटनी पीसते में डाला था नमक, वही नमक हमें रखना है। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। पैन को गैस पर रख दिया है मैंने और इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग। मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी और मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी। और इस टाइम हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। हल्दी के साथ हमारा लहसुन अच्छे से भून जाएगा। लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमने सेम आलू का बॉईल करके मिक्सचर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्लीज, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें। मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप एक बार ये वाली सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। गैस को अब हम फुल कर देंगे। हमने हल्का कर रखा था इसे। अब अच्छे से भून लेंगे सब्जी को। सब्जी अच्छी से हमारी भून चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। सब्जी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। देसी स्टाइल से हम बनी हुई हमारी सेम आलू की सब्जी तैयार है और आप इस
रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।